हे गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। दोस्तों, आप लोग कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि यार बहुत दिनों से व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज आपका ये जो व्लॉग है ना दोस्तों, आ चुका है। और आज इस वीडियो में आज देखने वाले आप लोग हमारा सेटअप टूर, यानी कि हम कैसे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, कैसे एडिट करते हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो अभी तो मैं इस वक्त हमारे टेरेस के ऊपर, हमारे बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ आवर टेरेस एंड बेसिकली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सीधा आपको मैं अभी लेके चलता हूँ हमारे कमरे के अंदर, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने हमारे जो बेडरूम है उसको पूरा मॉडिफाई कर रखा है, पूरा हमने बोर्ड लगाए, कैसे स्टिकर्स चिपकाए, तो हर चीज़ डिटेल में बारीकी से बताऊंगा कि अगर आपको भी ऐसा करना होगा ना तो बड़े आराम से आप लोग कर पाओगे। तो पहला ब्लॉग है यार, सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो सीधा लेके चलता हूँ आप लोग को हमारे कहाँ पे, बेडरूम की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे बेडरूम की तरफ एंड देखते हैं कि किस प्रकार हमने कुछ सेटअप जो है वो किया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अभी हम दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं। तो दिस इज़ आवर रूम, ठीक है, धीरे धीरे से मैं ओपन कर रहा हूँ एंड दिस इज़ आवर सेटअप। तो मैं पहले तो अंदर आ जाता हूँ, उसके बाद मैं चीज़ें आपको दिखाऊँगा अच्छे से। ठीक है, ये हमारा सेटअप है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं दरवाज़ा हमारा बंद कर देता हूँ। ठीक है, दरवाज़ा पहले मैं पैक कर देता हूँ यहाँ पर एंड फिर आपको मैं दिखाता हूँ दैट इज़ आवर सेटअप। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आपको ये सेटअप जो है वो दिखा देता हूँ, किस प्रकार हमने ये सब चीज़ लगाई हुई है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा हमारा सेटअप है। तो एक एक करके बारीकी से हर चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, तो आप ध्यान से देखते रहो यार, क्या क्या चीज़ें हमने की है, क्या क्या नहीं की है, ये सभी चीज़ बारीकी से बताऊँगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऊपर और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यार यहाँ पर हमने किस प्रकार हमारा सेटअप लगाया हुआ है। एसी है, उसके नीचे जस्ट हमारा बोर्ड है और उसके नीचे हमारा व्हाइट स्टिकर हमने लगाया हुआ है। और जितना भी आप ये जो ब्लू कलर के जो पार्ट्स दिख रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्लू कलर के जो पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सब स्टिकर्स है। ठीक है, जो कि हमने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो हर चीज़ यहाँ पर मैं डिटेल से बताऊँगा क्योंकि मेरा ये जो व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ सेटअप टूर तो है। आप लोग कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि सर सेटअप टूर बताओ, कंटिन्यूसली ये जो बोल रहे थे वो तो हम बताएंगे, लेकिन जो जो चीज़ हमने किया है वो हम इसलिए भी बताएंगे कि आप लोग जो है ना कंटिन्यूअसली ये सुनने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने कितना खर्चा किया है और कितने लो लेवल से आप लोग भी अगर चाहोगे तो आपके घर पे आपके बेडरूम को आप अपना सेटअप बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, तो हर चीज़ बताऊंगा तो आप देखते रहो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ क्योंकि आप देख सकते हो एक जुगाड़ हमने किया हुआ है। जुगाड़ इसलिए किया है दोस्तों कि हमारा ये जो कमरा है ना, आप देखोगे दिस इज आवर रूम, ये जो कमरा है ना काफ़ी छोटा कमरा है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो सिर्फ 10x10 साइज़ है इसका, यानी 10 फुट बाय 10 फुट लेंथ इसकी 10 फीट है और इसकी चौड़ाई ब्रेथ जो है वो 10 फीट है। तो इतने छोटे कमरे में जो कि मेरा पर्सनल बेडरूम था उसको हमने कन्वर्ट किया हमारे स्टूडियो में, बिकॉज हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपको पता है कोविड का टाइम है, तो कोविड एग्जैक्टली क्या होता है कि बाहर हम जा नहीं पाते, करेक्ट है। इसके लिए जो हमारा मेन मोटिव था कि हम जो है घर पे बैठ के काम करें और घर पे से ही हम हर चीज़ ऑपरेट कर पाए, क्योंकि अगर मैं अपने क्लासेस जो है मेरा वहाँ पे जाऊँगा तो डेली ट्रैवल जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो सिचुएशन इस प्रकार थी दोस्तों कि यार हमने जो शुरुआत की थी लॉकडाउन में वो मजबूरी में की थी क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जो मेरा बेडरूम था उसको ही हमने पूरा कन्वर्ट किया हुआ, ठीक है ना। तो एकदम पहले लो लेवल से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें हमने चेंजेस की, तो वो चेंजेस क्या क्या किए वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आएगा, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे दैट इज बेड। ये जो बेड है दोस्तों, ये लगभग 6x6 का बेड है। ये हमने इसी के ऊपर मैं सोता भी हूँ, आपको मैं बता दूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मैं और मेरा भाई जो है वो शेयर करते हैं हम लोग। तो ये जो बेड है इस पर मैं सोता हूँ एंड सोने के अलावा नॉर्मली देखा जाए तो ये बेड के ऊपर ही हमने पूरा सेटअप लगाया हुआ है। यानी कि अगर मुझे कोई वीडियो बनाना होगा इस प्रकार से आ जाऊँगा, इस प्रकार से आ जाऊँगा और ये हमारा बोर्ड आ जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और सामने की तरफ आप देखोगे, जैसे आप जाओगे सामने की तरफ हमने ट्राइपॉड ये लगाया हुआ है और ये ट्राइपॉड में हम यहाँ पे मोबाइल फिट करते हैं हमारा। हम जो शूट करते हैं वो नॉर्मली सिंपल तरीके से शूट करते हैं, जैसा कि आपको पता है हम कोई भी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती है टेक्नोलॉजी वाली वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग नॉर्मली जो भी हमारा मोबाइल है यहाँ पे सैमसंग का मैं यूज़ करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। तो यहाँ पे हम फिट करते हैं और उसके सामने आने के बाद यहाँ पे मैं इस प्रकार से आपको दिखता हूँ जो हम बोर्ड पे आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिखता होगा बोर्ड पे, इस वक्त मैंने लिखा भी हुआ है वेलकम टू JR ब्लॉग, जो कि आपको उल्टा नजर आ रहा होगा आई गेस, ठीक है। अब उसके अलावा जो मैं बात करूँ जो हम लोग को जरूरत पड़ती है, तो आपको एक चीज़ पता है दोस्तों कि हम लाइव भी करते हैं, ठीक है। तो जो लाइव करते हैं हम लोग उसका जो मेथड है वो करने का थोड़ा सा अलग है। यानी कि अगर मुझे लाइव आना होता है तो मैं यहाँ पे बेड के ऊपर बैठ जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैठ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं बैठ गया यहाँ पे तो ये जो व्हाइट स्टिकर से वो विजिबल हो जाते हैं और इसी प्रकार से आप देख पाते हो तो हम लाइव करते हैं, हे गाइस वेलकम टू आवर लाइव सेशन, इसी प्रकार मैं जो है बोलता हूँ, करेक्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे,
तो ये हमारा लाइव का सेटअप है, यानी कि अगर जब भी हमें लाइव करना होता है तो हमारे ट्राइपॉड को हम छोटा कर देते हैं साइज में और इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। सिंपल तरीका सा है, बेड के ऊपर आराम से एकदम बैठना है, कोई भी लग्जरी चेयर नहीं है, कोई भी लग्जरी सेटअप नहीं है, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा सेटअप है और ये अगर आप लोग भी करना चाहोगे तो बना सकते हो। बहुत ही चीज़ें, लास्ट में बात करूंगा कि कौन कौन से चीज़ें का कॉस्टिंग क्या आया है वो मैं लास्ट में बात करूंगा, लेकिन यार ये व्लॉग जो है ना दिल से निकल रहा है, आज कुछ भी बोले जा रहा हूँ, पहला व्लॉग है लेकिन यार सुन लो यार, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो ये जो चीजें हो गई आपको समझ में आ गया, अभी मैं वापस से उठ जाता हूं। उठने के बाद आपको बोर्ड दिख रहा होगा और ये बोर्ड के ऊपर आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, दैट इज द एयर कंडीशन। ये यार बहुत तकलीफ दे रहा था हम लोग को, स्टार्टिंग के टाइम ऐसा था कि हमारे घर पे एसी नहीं था, ठीक है ना। तो बेसिकली था कि इसके ऊपर आप नजर डालोगे, दिस इज द फैन, ये हमें बंद रखना पड़ता है, ठीक है। ये फैन को हमें बंद रखना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी वीडियोस बनाते हैं तो काफी नजदीक है फैन, उसकी साउंड जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है, किसके अंदर, वीडियोस के अंदर। तो हम नहीं चाहते थे कि आपको डिस्टर्बेंस हो, इसलिए हम फैन बंद करते हैं और इसीलिए हमें गर्मी होती थी। लेकिन उसका भी सोल्यूशन हमने निकाल दिया कि जब सेटअप बनाते तो खास तौर पे हमने फोकस किया कि हम एसी लगाएंगे। तो ये जो एसी है ये हायर कंपनी का 110 का एसी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमें कॉस्टिंग जो पड़ा वो 28,000 के आसपास पड़ा है, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल तरीके से हमने ये किया है, लेकिन यार मैं इसलिए भी बता रहा हूँ प्राइसिंग कि आप लोगों को ना काफ़ी इजी पड़ेगा कि अगर आप सेटअप बनाना चाहते हो, आपके बेडरूम में भी अगर आप सेटअप बनाना चाहते हो तो इजीली बना सकते हो। इसके अलावा जो आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द स्टिकर्स, ये एक वॉलपेपर है, ठीक है ना। ये वॉलपेपर है जो कि अराउंड इसकी लेंथ अगर मैं बात करूं लगभग 500 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ मिल जाती है। इजीली अमेजोन से बाय कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही चीप होता है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। फिर इसके अलावा बात करें यहाँ पे, दिस इज द विंडो, ये विंडो हमने पैक करा दिया, पहले ये ओपन होता था, अभी भी इसको मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ लेकिन फिलहाल में मैंने इसको बंद किया हुआ है। दिस इज द विंडो, अगर हमें वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर कुछ ऑक्सीजन नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये लाइट्स है और ये हमारे फेवरेट भगवान जी जय भोलेनाथ, तो इनका हमने तस्वीर यहाँ पे लगाया हुआ है, इनकी तरफ से मोटिवेशन हमें मिलता रहता है। और यहाँ पे थोड़े स्क्रैप्स है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ खास चीज नहीं है, कुछ पुराने जो बॉक्सेस वगैरह थे वो हमने ऊपर डाल के रखे हैं, ठीक है ना। और ये चीज आपको दिख रहा होगा, दिस इज आवर इंजीनियरिंग सेटअप, यानी कि इसमें मैं शीट्स वगैरह रखता था जो पेपर होते हैं, और वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखोगे दिस इज अ ग्रीन स्क्रीन जो हमने यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ ग्रीन स्क्रीन, और ये जो इसलिए लगाया हमने कि अगर हमें कुछ ऐसे वीडियोस बनाने पड़ेंगे जिसमें हम एनिमेशंस डाले तो वो हम लोग फ्यूचर में, जैसा हमने प्लान किया, जैसा मैंने आपको बोला कि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस अलग अलग तरीके से आपको मिलेगी, तो इसीलिए हमने ये प्लान किया था कि हम कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो इसके लिए हमने एक ग्रीन स्क्रीन लगा के रखा है। लेकिन इसके अलावा बात करें, ठीक है, दिस इज द डोर जहां से मेरा ये बेडरूम खत्म होता है और यहाँ से हम हॉल की तरफ जाते हैं और किचन की तरफ जाते हैं, तो इसको हम फिलहाल अभी हम पैक कर देते हैं बिकॉज इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हमने टोटल पैक कर दिया है। और इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे अगेन एक स्टिकर है, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट स्टिकर जो हमने लगा के रखा हुआ है, काफी बेटर है दिखने में और लाइट्स अच्छे से रिफ्लेक्ट भी करता है, इसकी खास बात है ये स्टिकर्स की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गया। और उसके अलावा अगर मैं कुछ बुक्स आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा नॉर्मल बुक्स का सेटअप है, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है, ऑलरेडी ये स्टैंड आपको दिख रहा होगा, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे बुक्स है जो कि हमने हाइड किए हुए हैं, थोड़े से गंदे हुए थे इसके लिए हाइड करने पड़े। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, ये सिंपल सा सेटअप है, यहाँ पे आपको दो लैपटॉप दिख रहे होंगे, एक मेरा है एक मेरे भाई का है, एंड बीच में आपको कुछ दिखने मिल रहा है, क्या है ये, ठीक है, ये तो मोबाइल फ़ोन है यार, मेरा ही फ़ोन है ये तो दिस इज़ माई फ़ोन, ठीक है, इससे मैं यूज़ करता हूँ, एंड दिस इज़ आवर लैपटॉप, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, दिस वन इज़ माई फेवरेट एंड पर्सनल लैपटॉप। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज़ द कलेक्शंस ऑफ माई बुक, बहुत सारे बुक्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैं 10th तक आपको पढ़ाता हूँ उसके बुक्स है, लेकिन इसमें आपको सभी बुक्स देखने मिल जाएंगे। और ये जो है कुछ अरेंजमेंट है, और ये तो आपको पहचान में आ रहा होगा यार, ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको दिख जाएगा हमारे एक वीडियो में जो हमने बनाया था, दैट इज सिल्वर प्ले बटन का बॉक्स है, ठीक है। तो सिल्वर प्ले बटन आपको देखना है दोस्तों, तो हम दिखा देते हैं, दिस इज द सिल्वर प्ले बटन जो हमें मिला था, आप देख सकते हो, फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर जे आर ट्यूटोरियल्स को मिला हुआ है ऑलरेडी। तो यार आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो यार कि हम लोग जो हमारा अगला यानी कि 1 मिलियन का जो टारगेट है, जिससे हमें गोल्ड प्ले बटन मिल सकता है, तो वो जरूर से मिल जाए, तो ये करवा देना यार, ये जरूर से। और दिस इज द कलेक्शन ऑफ अवर बुक्स, बहुत सारे बुक्स है इसमें आप देखोगे तो, चाहे वो पर्सनल बुक्स हो जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पढ़ना चाहिए, ये ऊपर के बुक्स उसमें से है। फिर नीचे आप देखोगे तो ये कुछ एनसीईआरटी की बुक्स है, जैसा मैंने प्लान किया था कि एनसीईआरटी की कुछ सिलेबस स्टार्ट करना है वो है। फिर यहाँ पे कुछ 12th के या बाकी कुछ इंजीनियरिंग वगैरह के बुक्स है। तो दिस इज द ऑल सेटअप जो मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा सेटअप क्या है। कुछ भी हमने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, एक्सपेंस की अगर बात करें बहुत नॉर्मल है, स्टिकर्स की अगर बात करें लगभग 4-5,000 के आसपास हमने पूरा मिला के स्टिकर्स लगे, ठीक है ना। एयर कंडीशन तो चलो अलग चीज़ है, बाकी ट्राइपॉड है एक जिससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ
गोरिल्ला वगैरह, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ग्रीन स्क्रीन वगैरह। तो कॉस्टिंग की अगर बात करें, बहुत कम कॉस्टिंग है। तो अगर आप नॉर्मली इंटरेस्टेड रहोगे सेटअप बनाने के लिए, तो जरूर से हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो आपको पता चल जाएगा, और उसके हिसाब से आप अपना एक जो रूम होगा उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो और अपना बहुत ही अच्छा कैबिन या फिर ऑफिस जैसा कुछ बना सकते हो। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा ब्लॉग में, जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली दिस इज आवर रूम। बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा मतलब बोल सकते हैं ना, हमने मेहनत किया हुआ है, बहुत मेहनत किया है इसको, अकेले के दम पे मैंने और मेरे भाई ने मिलके बनाया हुआ है। ठीक है, भाई अभी शर्मा रहा है थोड़ा आने के लिए, लेकिन ट्रस्ट मी व्लॉग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अभी तो सिर्फ हम लोग ये रूम टूर का ही दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बाहर जाएंगे घूमेंगे बहुत सारी चीजें आपको इस व्लॉग चैनल पे मिलने वाले हैं, इसीलिए तो हमने बनाया हुआ है दोस्तों। ये पहला चीज है और सेटअप टूर सिंपल ही होगा यार, बहुत ही सिंपल था जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ यार आप लोग को पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में, जिसमें हम कुछ अच्छा और बहुत ही अलग चीज लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच, गुड बाय।